वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब, और मैं आज बहुत मजेदार एक शो करने वाली हूँ। ये सेगमेंट मेरा बहुत मजेदार होने है। वो किस तरह से मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज की जो हमारी मेहमान है, मैं अपने देखने वालों को पहले बता रही हूँ, ये शी बेसिक फ्रॉम यूके, और इनकी थोड़ा इंग्लिश ये ज़्यादा बोलती हैं, लेकिन इनकी शी सो स्वीट के वो उर्दू में, हमने इनको बोला कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो उर्दू में समझती है, तो वो कल रात से प्रैक्टिस कर रही हैं अपने जवाबात का उर्दू के लिए, और वो लाइक 3 बजे तक जाग रही थी और वो इसी तरह से काम कर रही हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा कुछ ना समझ में आए तो आप ट्रांसलेट कर देंगे डेफिनेटली, और वैसे हमारे देखने वाले भी बहुत स्वीट हैं, वो आपकी बात समझ जाएंगे। अच्छा जनाब, हमारे साथ डॉक्टर ईमान सलाम मौजूद होंगी जो कि कायरोप्रैक्टर हैं। इसके हवाले से हम बात करेंगे कि कायरोप्रैक्टिक है क्या, बेसिकली ये टर्म क्या है, इसको हमने किस तरह से ट्रीटमेंट किस चीज़ का होता है, ये सारी चीज़ें हमें बताएंगी, लेकिन उसके लिए वेलकम करेंगे डॉक्टर ईमान का। कैसे हैं ईमान? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो आप? कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ईमान, यू आर सो स्वीट, मुझे आपके आते ही इतनी मज़ेदार बातें सुनने को मिली, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, अगर आप इंग्लिश में जवाब देना चाहेंगी तो आई विल ट्रांसलेट दैट फॉर यू। अच्छा, कायरोप्रैक्टिक है क्या बेसिकली? सो कायरोप्रैक्टिक एक मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर प्रोफेशन है, और हमारी प्राइमरी फोकस ये है कि हम पहले पेशेंट्स की तकलीफों को डायग्नोज करते हैं, ट्रीट करते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम इनको प्रिवेंट भी करेंगे। अच्छा, ठीक है। सो जो कंडीशंस हम ट्रीट करते हैं, दे आर न्यूरो मस्कुलर और स्केलेटल कंडीशंस, यानी नर्व की प्रॉब्लम्स, सही हो गया, तमाम हड्डियों की प्रॉब्लम और मसल्स की प्रॉब्लम्स। जी, सो फॉर एग्जांपल मैं आई गिव अ फ्यू कंडीशंस, अगर आपके पास हेडेक्स है या माइग्रेन्स, गर्दन में कोई तकलीफ और आप ऐसे आधे सर का दर्द, कंधों में, बाजू आप ऐसे ऐसे नहीं हिला सकते, फ्रोजन शोल्डर्स भी, अपर बैक पेन, कमर की दर्द, सायाटिका, कोई डिस्क की इश्यू है, सही, जो आपकी पेल्विस है यहाँ पे पीछे से, अगर इसमें कोई डिसफंक्शन है, हिप्स, आर्थराइटिस, स्पोर्ट्स इंजरीज, में बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी केयर भी करती हूँ प्रेगनेंट औरतों के लिए और बच्चों के लिए, इस तरह के मसले ज़्यादा होते हैं, और फिर मैं जब आप पूछती हैं फिर मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन। अच्छा, कायरोप्रैक्टिक बेसिकली पाकिस्तान में इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है, ये टर्म मेरे लिए भी एक बिल्कुल नया टर्म है। जी, ठीक है, तो इस टर्म का क्या, इसकी स्टडी है और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है? तो मैं आपको बताती हूँ कि हम पहले डायग्नोस कैसे करते हैं और ट्रीट भी करते हैं। ठीक है, तो हमारे कोर्स में हमको ये सिखाया जाता है कि एवरीथिंग हम बस हाथों के साथ करते हैं। अच्छा, हम इतना एम्फेसाइज नहीं करते इमेजेस के ऊपर, यानी MRIs, एक्स-रेज, अल्ट्रासाउंड्स, तो हमको ये सिखाया जाता है कि बस हाथों के साथ स्पेसिफिकली कैसे डायग्नोस करते हैं, हम फील करते हैं कि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, हड्डी नहीं हिल रही, या यहाँ पे कोई मसल में टेंशन है, और फिर हम एक क्लिनिकल तस्वीर बनाते हैं, इससे हम डायग्नोस देते हैं, और फिर पूरी ट्रीटमेंट हाथों से हैं। सो हमारे पास बहुत सारे कायरोप्रैक्टिक टेक्निक्स होते हैं, स्पेसिफिकली एक है हम उसको बुलाते हैं कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट। अच्छा, इसमें हम एक स्पेसिफिक और खास नर्व को इन्फ्लुएंस करते हैं और उससे आपकी तकलीफ कम हो जाती है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये 4 नर्व्स हैं और इस नर्व में कोई प्रॉब्लम है, तो पहले मैंने इसको डायग्नोज करना है कि स्पेसिफिकली यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और फिर बस इसको ट्रीट करना है, इसलिए कि ये बाकी ठीक है, हाँ, और इससे प्रॉब्लम हो रही है, इससे प्रॉब्लम जी ठीक हो गया, लवली। अच्छा, मेडिकल डॉक्टर में और कायरोप्रैक्टर में क्या फर्क है? डिफरेंस है कि मेडिकल डॉक्टर्स वो बीमारियाँ, इलनेसेस, डिजीजेस को ट्रीट करते हैं, ठीक हो गया। सो फॉर एग्जाम्पल अगर लिवर डिजीज है या डायबिटीज, हार्ट कंडीशंस, तो आपने मेडिकल डॉक्टर को देखना है, दवाई लेनी है, शायद सर्जरी के लिए भी जाना है। जो लोग हमारे पास आते हैं हम बस प्योरली न्यूरोमस्कुलर स्केलेटल की ट्रीटमेंट करते हैं। जी, सो अगर आपकी जिस्म से कोई दर्द आ रही है, आपकी स्केलेटन से, हड्डियाँ, मसल्स, नर्व्स ऐसे, और ये भी बहुत ही बड़ी डिफरेंस है कि हमारे लिए हम नेचुरल हेल्थ केयर को प्रमोट करते हैं, ठीक हो गया। सो दवाई के बगैर और सर्जरी के बगैर अगर जरूरत है फिर भेज देंगे, तो डेफिनेटली आप रिकमेंड कर देती हूं, ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि ईमान, कायरोप्रैक्टिक के जो एक हमने टर्म, मैंने अभी पहले भी कहा कि पाकिस्तान में हमने पहले ही, इंग्लैंड में जहाँ से आप आई हैं वहाँ पर आप इस तरह की अवेयरनेस है लोगों को? बहुत ही अवेयरनेस है वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोप में बहुत ज्यादा कायरोप्रैक्टर्स है, वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा नेचुरल हेल्थ को प्रमोट करते हैं ना। जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ इस ट्रिप पे,
मैंने बस ये देखा है कि लोगों बिल्कुल रिलाई करते हैं दवाई के ऊपर और सर्जरी के ऊपर. हाँ, जैसे इंजेक्शन यहाँ पे लगवा दो, पेन किलर चले जाते हैं ना डायरेक्टली. सही हो गया. अच्छा, आपका पाकिस्तान का ट्रिप है, चूंकि अभी आप बताएं जेके इंट्रोडक्शन जो है वो टूर है, कैसा एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तान में? आप लोगों को जब बता रही हैं तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. मैं पहले जब मैं आई थी, मैंने दो दिन सहारा ट्रस्ट नारोवाल में वहाँ पे गुजारे थे और मैं गरीब लोगों को ट्रीटमेंट दे रही थी. अच्छा, इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ऑब्वियसली कोई अवेयरनेस नहीं थी. हाँ. तो ट्रीटमेंट के बाद ये लोग शायद दो महीने तीन महीने एक साल के लिए उनके पास तकलीफें थी, डिस्क हर्निएशन, सायाटिका, फ्रोजन शोल्डर्स ऐसे. exactly. तो एक ट्रीटमेंट या दो तीन ट्रीटमेंट के बाद दे फेल्ट सो मच रिलीफ आ गया था. और उन्होंने बस दवाई लिया, फिजियोथेरेपी ट्राई किया, जो उनके लिए बस इट टेक्स टाइम. इसे मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि कितना टाइम लगता है इस तरीके से कायरोप्रैक्टिक के थ्रू एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए. सो इंग्लैंड में मेरा ये प्रोटोकॉल है कि मैं पेशेंट्स को 4 to 6 टाइम्स देखती हूँ. मैं कोशिश करती हूँ कि 4 to 6 सेशंस में मुझे इधर कम्प्लीटली ठीक, 100% ठीक हो जाए या अच्छी इम्प्रूवमेंट्स मिलना चाहिए. जी, 6 सेशन पे अगर आप 100% नहीं हो मगर ठीक हो रहे हो, फिर हम कंटिन्यू करते हैं. अगर कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, फिर मैं देखती हूँ कि क्या हो रहा है. शायद मैंने कोई इमेजिंग लेनी है, MRI या एक्सरे, ताकि मैं देख सकती हूँ कि आपके अंदर डायग्नोसिस में आपको आसानी हो जाए. जी, फिर जब वो मिल जाता है, फिर मैं रेफर करती हूँ कि आपने इसको देखना है या इसको देखना है. जी, मान आपको एक मैं बात बता दूं, आपकी उर्दू बहुत अच्छी है. आप ऐसे ही कंफ्यूज हुई थी, इतने आराम से आप उर्दू में बात करिए, मुझे तो जरूरत ही नहीं पड़ी कि कोई ऐसी मैंने आपको फेस करना है. अच्छा ईमान, चूंकि अभी हम बात करें कायरोप्रैक्टिक की, ट्रीटमेंट के तरीका का डिफरेंट है. हाथों से आपने बताया डायग्नोज भी करना है, ट्रीट भी करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है. क्योंकि डेफिनेटली मशीनरी के थ्रू एक चीज को देखना, इट्स टोटली डिपेंडेड ऑन द मशीन. और हाथों के साथ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो सारी चीजें भी बहुत ज्यादा है कि डायग्नोसिस अगर ठीक होगा तभी तो ट्रीटमेंट ठीक होगा. तो कितना मुश्किल है? अगर ऑब्वियसली मेरे लिए ये मेरी स्पेशलिटी एक्सपर्टीज है, सो मेरे लिए यू नो आसानी की चीज है. अगर किसी और के पास वो मेडिकल नॉलेज नहीं है फिर ऑब्वियसली मुश्किल होता है. अच्छा, अभी आपने जब ये पढ़ना शुरू किया, डेफिनेटली इसके एक प्रॉपर डिग्री है, सारा कुछ है, तो क्या सोच कर पढ़ा कि कायरोप्रैक्टिक की लोगों को अवेयरनेस नहीं है या एक ये फील्ड है जिसको मजीद होना चाहिए? क्योंकि हम हर वक्त जो कह लेना मेडिसिन और इंजेक्शन पे रिलाई करते हैं, हमें कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ये इस हवाले से आपने सोचा या क्या आपके माइंड में था? जब मैंने डिसाइड किया कि मैंने जब मैं 15 साल की थी, मैं मेरे पास कमर की प्रॉब्लम थी, तो फर्स्ट टाइम मैं कायरोप्रैक्टर के पास की थी. मुझे उससे आराम आया. तो मैं ये सोच रही थी कि जब आप मेडिकेशन लेते हो दवाई, अगर ये आपकी सिम्टम्स है जो ऐसे जा रही है, जब आप मेडिकेशन लेते हो बस उसको मास्क कर देता है ऐसे. जब व्हेन द मेडिकेशन वेयर्स ऑफ, फिर आपके सिम्टम्स वापस ऐसे आ जाएंगे. तो कायरोप्रैक्टिक कभी कभी वर्स्ट भी हो जाते हैं. हाँ, वर्स हो जाते हैं. सो कायरोप्रैक्टिक एक ऐसी ट्रीटमेंट है कि हम कोशिश करते हैं कि रूट कॉज जहाँ से वो आ रही है, हमने उसको ट्रीट करना है ताकि वो वापस नहीं आए. ठीक हो गया, ठीक हो गया. अभी आपने बताया कि ये थोड़ा प्रोसीजर होता है, 5 to 6 टाइम्स आप एक पेशेंट को चेक करती हैं अगर उसको फर्क पड़े. जो उसके अकेले एक जो इलाज जब आप शुरू करती हैं, एक दफा पहली सेटिंग में आपके पास आया, कुछ जाहिर होता है उसका इफेक्ट पहली सेटिंग में? जी, पहली सेटिंग में जो मैंने बहुत सारे लोग यहाँ पे भी पाकिस्तान में देखा है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसी में बस या एक लिमिटेड टाइम के लिए आई थी ना, तो मैं ये बस दुआ मांग रही थी कि लोगों को एक सेशन दो सेशन में रिलीफ दे दें. तो अल्हम्दुलिल्लाह से लोगों एक सिटिंग में या दो सिटिंग में बहुत फर्क पड़ा. 100% नहीं, मगर लोग कह रहे हैं 70% 80%. सो एक या दो सेशन में ये बहुत अच्छी रिजल्ट्स है. अच्छा, फॉर द लॉन्ग रन आपका प्लान है क्या? आप पाकिस्तान में कुछ आएंगी और दोबारा से प्रैक्टिस शुरू करेंगी? जी, मेरा ये प्लान है. मेरे पास दो बहनें भी हैं जो कायरोप्रैक्टर हैं. सो मैं साई कायरोप्रैक्टिक से हूँ, सुमैया आयशा और ईमान कायरोप्रैक्टिक. हमारा ये प्लान है कि पहले मैंने वो उन दोनों इस ट्रिप पे नहीं आ सकते, मगर मैंने बस देखना था कि पहले एजुकेट करना था पाकिस्तान को कि आपके पास ऑप्शंस हैं. बस मेडिकेशन और सर्जरी के अलावा
और कुछ आपके ऑप्शंस है और जस्ट नेचुरल हेल्थ केयर को प्रमोट करना, हाँ, किया जाए, उनको बताना कि हम क्या करते हैं, हम कैसे ट्रीट करते हैं. जब मैं आई थी, सारे बहुत सिंपल सारे कंडीशंस जो अगर उन्होंने कायरोप्रैक्टर को देखा था फिर वो ठीक हो जाते हैं, मगर एक साल के लिए बस दवाई ले रहे हैं. सो मेरा ये प्लान है, अगर डिमांड है यहाँ पे तो इंशाल्लाह हम वापस आ जाएंगे. मैं अभी प्राइवेट पेशेंट्स ले रही हूँ लाहौर में और इस्लामाबाद में. सो अगर डिमांड है फिर इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे. जबरदस्त. तो कोई मैसेज ईमान हमारे आज के इस टॉपिक के हवाले से, जो आप एक इंट्रोडक्शन दे रही हैं कायरोप्रैक्टिक के हवाले से, लोगों को मैसेज देना चाहें, क्या मैसेज? मैंने ये बस कहना था कि प्लीज़ बस ऑनलाइन देखें, आपके पास हर रोज़ ऑप्शंस होते हैं. जो भी डॉक्टर आप देखती हैं या देखती हैं, बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल. सो बस ये देखना कि ये क्या, कैसे ट्रीट करते हैं, क्या करते हैं. कायरोप्रैक्टर के बारे में भी पढ़ना, इसलिए कि मैंने, मेरी एक्सपीरियंस यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं कि जैसे आपने मुझे एग्जामिन किया, जैसे आपने मुझे एक्सप्लेन किया आपकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, डॉक्टर्स पाकिस्तान में ऐसे नहीं करते. बस कहते दवाई देते हैं, उनको पता भी नहीं है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है. हाँ, एक जो फ्रेंडली बॉन्ड होता है डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान में, उससे भी आधी जो आपकी बीमारी है ना ईमान, ठीक हो जाती है. यू फील गुड अबाउट इट. आपके जो डॉक्टर है अगर वो आपसे अच्छे से बात कर रहा है या आपको अच्छे से देख रहा है, आप समझ लेते हो कि मेरी तकलीफ यहाँ से आ रही है, मगर क्यों आ रही है, किस, यू नो, किस स्पेसिफिक जॉइंट या मसल या नर्व से भी आ रही है. सो बस ये कहना था, आपके पास हर रोज ऑप्शन होते हैं और आपकी, आपका हक है जवाब पूछना. बिल्कुल. और हमारा फर्ज है जवाब देना. हाँ, और जवाब के देना, सवाल करना, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकते हैं आपके हेल्थ केयर के बारे में. जबरदस्त. ईमान आप अपना फेसबुक लिंक भी हमें बता दें, ताकि जो हमारे देखने वाले हैं अगर आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो वो कहाँ कर सकते हैं? मैं आपको ईमेल एड्रेस दे दूंगी, ये है dc.imansalam. टीवी पे बिल्कुल आ जाएगा, dc.imansalam@gmail.com. लवली लवली, थैंक यू वेरी मच ईमान, बहुत शुक्रिया. विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, बहुत जबरदस्त आप काम कर रही हैं जनाब. ईमान से हमने आपकी मुलाकात करवा दी और मेरे साथ साथ आप भी ये समझ गए होंगे कि उर्दू बहुत अच्छी है. हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, और भी मेहमान है और भी डिस्कशन है जो हमें ज्वाइन करने वाले. देखते रहिए जागो लाहौर.